मिलिए मेरी न्यू रूम पार्टनर से, दिव्या से। अनिला के हम सीधे आए हैं अभी रश्मि के रूम पे, मतलब दिव्या की फ्रेंड है तो अभी हमारी फ्रेंड, मतलब मेरी भी फ्रेंड बन गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग, आए हो सारे लोग, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। तो सुबह की बज रही है अभी 8, और जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंची हूँ। तो मैं रेडी होके आज जा रही हूँ AGM। तो AGM में थोड़ा सा अभी तक मैंने रूम भी नहीं देखा, तो देखते हैं कैसा है क्या है। तो 8 तो बज ही गए हैं और कॉल भी आ ही चुकी, ये देखो हमारे मेहमान भी लगे हुए हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं, गाड़ी आई या नहीं देखते हैं फिर। तो हम अभी पहुँचे हैं जस्ट ही रूम पे। अभी अभी मेरी फ्रेंड मुझे लेने आई थी, वैसे मैंने रूम छोड़ दिया था, मैं सोच रही थी हॉस्टल जाऊँ, बट लेकिन मैंने फिर से दूसरा कर लिया और मैंने पार्टनर भी चेंज कर लिए हैं। तो अब मेरी पार्टनर दिव्या और अंजू है। अंजू को तो आपने देखा ही होगा, बट दिव्या को नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको भी देख लेंगे आप। तो ये रहा हमारा न्यू रूम, इन्होंने ही देखा था, मतलब पहले दिव्या नीचे गई, फिर वहाँ इसको अकेले में अनकम्फर्टेबल फील हुआ, उसके बाद इसने फिर यहाँ चेंज करा। तो अब हम, मतलब नीचे वाली में तो अंजू भी आई थी देखने, बट मैं उस दिन से आज यार ना मैं नीचे गई देखने और अब सीधे यहीं आई हूँ। तो मैं आपको अपना नया रूम दिखा देती हूँ कैसा है ये वाला। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और नहीं भी लगेगा तो भी क्या ही करना, रहना तो है ही। किचन की कोई सुविधा नहीं है, तो हमने ऐसे ही एडजस्ट करा है, हमने नहीं किया, मतलब दिव्या ने किया है, और इसके यहाँ वो तो कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, ये अलमारी तो है जिसमें हम बुक्स रख सकें और कपड़े रख सकें, और बाकी तो सारी जगह ये ही लगे हैं, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रूम है, रूम तो सिंपल ही होता है। और तो दिव्या और उनके गांव से आई है इतनी सारी सब्जी, इनके गांव में बहुत ही ज़्यादा होती, मैं तो चकित रह गई हूँ। वो इस पे लाई थी, सच में मैंने सोचा इस पे इसने चावल लाए हैं, इसने बोला सब्जी है। ये मैंने पहली बार देखा है इसको, बोलते इसको हाँ, इनकी आज तक मैंने इसकी सब्जी टेस्ट भी नहीं की है, और देखा भी पहली बार है, बस नाम सुना था। और इसमें है बहुत सारे माल्टे, खटाई के काम, खटाई बनाने के काम आ जाएंगे, OMG। और ये इसको बोलते हैं छेमी हमारी लैंग्वेज में, शायद सबके यहाँ ऐसे ही बोलते हो। और ये हैं करेले मीठे वाले, ये भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले। मुझे तो लग रही है काफ़ी जोरों की भूख, तो हम चलते हैं पहले थोड़ा सा मार्केट कुछ खाने के लिए ले आते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं हुआ खाना बनाने का, अभी तो 10 बज रही हैं, मॉर्निंग में कुछ खाया नहीं था, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाड़ी से आने के बाद। ना मैंने वीडियो वहाँ बनाई ना यहाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब टाइप की हो रही थी आज, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो हम लेके आए थे मार्केट से मैगी जो दिव्या ने बनाई है, और दूसरे लाए थे ब्रेड पकौड़ी। तो पहले फटाफट खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमको लगी है बहुत ही ज़्यादा जोर की भूख। शाम की बज रही हैं अभी 4, और इस टाइम मैं आई हूँ छत में। तो हमने दिन में वो खाना वाना खाया, उसके बाद तो हम सो गए थे, और अभी जस्ट उठ के, मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा छत पे घूम लूँ, तो अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा छत पे। अभी मुँह हाथ भी कुछ नहीं धोया, तो मैंने सोचा बोर होने से अच्छा है छत पे चले, थोड़ा सा घूमी, सॉन्ग सुनी मेरी तो, हाँ यार सॉन्ग सुनने से ही तो अच्छा फील होता है। तो यहाँ सच में बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ मैं सोचती हूँ मेरे 2-3 दिन कब गुजरेंगे, कब गुजरेंगे, बहुत ही क्या ही बोले, बहुत ही बेकार लग रहा है यार मुझे तो। और वैसे ही नई जगह और मेरे नए पार्टनर भी, तो उतना अच्छे से घुल मिल नहीं पाई हूँ अभी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, जो भी होगा देखते हैं फिर क्या होता है। तो मिलिए मेरी न्यू रूम पार्टनर से दिव्या से, इसने भी अभी तक मुँह हाथ कुछ नहीं धोया है, ये भी सो के सीधे उठी और सीधे छती में आई, और मैं तो हमेशा ऐसे ही आती हूँ। तो मैं यहाँ से दिखा लेती हूँ, क्योंकि नई जगह है और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पहले हमारा रूम किधर था। खैर ज़्यादा तो क्या ही दिखाना, अब यहीं रहना है तो फिर कभी दिखाएंगे, अभी हम थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं। मुँह हाथ तो धोया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कैमरा ठीक किया तो इसी से करेंगे। शाम की बज रही है अभी 5, और छत से नीचे आके हमको लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख, तो हमने डिसाइड करा है कि हम इस टाइम बनाएंगे चावल। मैं तो शायद आज मेहमान ही हूँ मुझे लग रहा, क्योंकि सारा काम तो दिव्या ही कर रही, वो मुझे कुछ कर रही नहीं दे रही कि ले लो दिव्या मैं मेहमान छूँ। तो कोई बात नहीं, हम भी काम करते हैं थोड़ा सा, तो अभी चावल बनाएंगे और रोटियाँ बनाएंगे सीधे रात के 9-10 बजे, हाँ क्योंकि अभी अभी खाया है तो
चलो फटाफट काम करते हैं और सब्जी बनाएंगे हम इस टाइम, करेला या इसको करेला। अनिला के हम सीधे आए हैं अभी रश्मि के रूम पे, मतलब दिव्या की फ्रेंड है तो अभी हमारी फ्रेंड, मतलब मेरी भी फ्रेंड बन गई है, तो ये हमको बनाने वाली है चाय। उसके बाद चाय पी के थोड़ा सा क्या सीधे घर चलेंगे। तो रात की बज रही है अभी की 7, रश्मि और के घर से आने के बाद हम सीधे आए हैं छत में। तो हम देख रहे हैं कि एजीएम में कैसी रौनक फैली हुई है, तो वैसे सारी जगह काफ़ी प्यारा लग रहा है क्योंकि सबने बहुत अच्छे से डेकोरेशन जो भी बोलते हैं तो वो करा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एजीएम में कितना सुंदर लग रहा है आज। ओह माय गॉड, चारों तरफ लाइट ही लाइट, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है सारी जगह। छत पे गई थी, छत से नीचे आई और यहाँ देखा यहाँ कोई नहीं है क्योंकि मैंने सोचा ये खाना बना रहे होंगे, वैसे रखा तो था इसमें, कहाँ गया चूल्हे में, पर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लग रहा है या तो नहीं पानी तो लेके आ गए थे, शायद मार्केट गए होंगे। तो इस टाइम मैं हूँ रूम पे, बहुत ही बेकार लग रहा मुझे तो, सच में बहुत ही बेकार लग रहा ना, साथ में हो चाहे अकेले ही हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पर क्या ही कर सकते, 2-3 दिन के बाद है, एडजस्ट कर ही लेंगे। तो फिर टाइम भी हो गया है खाना बनाने का। तो वैसे आज हम खाने में बनाने वाले हैं क्या बोलते इसको, मैगी शायद, हाँ बोल रही थी कि मैगी लानी है कम पड़ रही, और उसके बाद हमने बनाना है थोड़ा सा हलवा। तो काफ़ी टाइम बाद मेरी फेवरेट डिश है हलवा। तो आज हमारी रूम पे आई है रश्मि, तो आज हम तीनों एक साथ ही डिनर करेंगे। और आज ये दोनों लगे हुए, वैसे दिव्या ने मुझसे कुछ काम नहीं करवाया था दिन में भी, और ये भी लगी हुई है अभी भी, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं करवाया। आज मैं मेहमान हूँ दिव्या के रूम की, शायद कल से करूँगी, लेकिन आज मैंने कुछ काम नहीं करा। तो हमारा खाना बन ही रहा है अभी, आटा ये गूंदेगी, रोटी मैं बना लूँगी, कोई बात नहीं। तो रात की बज रही है अभी 8:30, तो हमारा खाना तो बन के रेडी हो ही चुका है और हमने कुछ खा भी लिया है। तो हमने आज खाने में बनाया था मैगी हलवा और रोटी, तो मैगी तो हमने खाई ली है और ये बनाया है रश्मि ने हलवा, मतलब दूध वाला है ये, आज उसने दूध का बनाया है। वैसे मुझे, मतलब मैंने पानी वाला ये ज़्यादातर खाया है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको भी कल के तो नहीं, अब तो मैं डेली ब्लॉग नहीं डालती, कभी कभी डालती हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा क्या ही बोलना, आप लोग भी स्वस्थ रहे, एकदम मस्त रहे। बाय बाय।